हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं एफएसटी नंबर 22 पेपर 1। इसमें की क्वेश्चन 1 जो कि बेस्ड है केमिकल काइनेटिक्स है, इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है जिसमें की एक रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी फॉर्म कर रहा है और इन्होंने क्या किया हुआ है, इसका एनर्जी वर्सेज रिएक्शन कोऑर्डिनेट कर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में समझना क्या क्या इन्होंने पूछा हुआ है, आप इजीली इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो अगर आपको सभी टर्म्स पता है कि इसको हम लोग जो है यहाँ जो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिएक्टेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे बी एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट और ये जो एनर्जी होती है ये बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशहोल्ड एनर्जी भी बोला जा सकता है, कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, मीन्स कितना एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ये यहाँ से जो है रिप्रेजेंटेशन आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो ऑप्शन मेंशन किया है इसको वन बाय वन देखते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए ए, जिसमें मेंशन किया इन्होंने कि इंथैल्पी चेंज डेल एच फॉर द रिएक्शन इज 50 किलोजूल पर मोल। सिंपल सा केस होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दैट विल गिव द डेल एच वैल्यू। तो यहाँ पे डेल एच की वैल्यू हो जाएगी रिएक्शन मतलब एनर्जी ऑफ बी में लिख सकता हूं माइनस एनर्जी ऑफ ए दैट विल बी 100 माइनस 50 दैट विल गिव 50 किलो जूल पर मोल, ठीक है 50 किलो जूल पर मोल। आई थिंक ये ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन बी, तो बी के केस में क्या है EAB मींस जो है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ये देखा जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा कि B से अगर A में कन्वर्ट होना रहेगा तो इसके लिए जो एक्टिवेशन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगा B टू A में कन्वर्ट होने के लिए वो कितना चाहिए होगा। तो सिंपल सा केस है, आप देख लो कि ये वाला जो एनर्जी गैप है कितना है 200 माइनस 100 दैट इज विल बी 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है 100 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि इन्होंने रिप्रेजेंट किया बी से बैकवर्ड के लिए और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन आल्सो दे हैव मेंशन, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज 100 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे सिंपल सा कैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ई ए बी है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू 100 किलो जूल पर मोल, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन सी हम लोग इसमें देखें इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट ईएएफ इज 130 किलो जूल पर मोल। क्या मेंशन है कि अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया गया, नेगेटिव कैटलिस्ट भी हो सकते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जो है रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा, ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी को, कैटलिस्ट का रोल यही होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जा सके सच दैट जितना रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एफर्ट देना पड़ रहा है वो एफर्ट थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सके थ्रू द मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी सेम कहानी है, इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट ईएएफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये डिक्रीज कर गया। अभी कितना है तो अभी एक्टिवेशन एनर्जी है 200 माइनस 50 150, लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होकर आ गई है 130 किलो जूल पे, ठीक है। यहाँ पे मींस मेन क्या होता है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो बात होता है वो डिफर कर जाता है लेकिन प्रोडक्ट अभी भी वहीं पे रहेगा उसी पोजीशन पे रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस अब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सा केस है कि अगर मान लीजिए कि इफ इट रिड्यूसेस थ्रेशोल्ड एनर्जी इज प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट ईएएफ इज 130 किलो जूल एंड रिड्यूस द थ्रेशोल्ड एनर्जी टू 180 किलो जूल। तो यानी कि देखिए आप कि जो पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी थी 200 था अब इसको डिक्रीज करके इन्होंने बोला कि 180 हो गया, ठीक है 180 हो गया और ईएएफ फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, मतलब हम लोग को देखना है कि ईए फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 130 किलो जूल आर नॉट। हम लोग को थ्रेशोल्ड एनर्जी पता है दैट इज 180 और यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दिया जाए तो यह आ जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। बहुत सिंपल सा केस है जो है ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कब हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट अदरवाइज इसको 150 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती पर मोल, अब जो है डिक्रीज होकर ये आ गया 130 किलो जूल पर मोल, मींस दैट मींस सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। नाउ मूविंग टू ऑप्शन डी, यहां पे इन्होंने मेंशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट द डेल एच इज लेस देन 50 किलो जूल, डेल एच की वैल्यू अभी भी 50 किलो जूल पर मोल है,
ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा स्टेट फंक्शन है, ये फाइनल और इनिशियल स्टेज पे डिपेंड करेगा, और हम लोग को पता है कि इन दैट रिएक्शन फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज तो सेम ही रहेगा, जो प्रोडक्ट है वही फॉर्म करके आ रहा है, रिएक्टेंट वही पाथ फॉर्म करके आ रहा है, बट पार्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है, पार्ट डिफरेंस हो गया, इसमें जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है ये पार्ट डिफरेंस है, और विदाउट कैटलिस्ट पार्ट डिफरेंस है, थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो गई, वही बात हो गई कि विदाउट कोचिंग हम लोग जो है जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक लड़का जो है जेई की प्रिपरेशन कर रहा है विथ कोचिंग, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी जो डाउन हो गई, दोनों सेलेक्ट हो गए आईआईटी के अंदर, बट ओवरऑल जो है एक के लिए थोड़ा सा रास्ता डिफिकल्ट था और एक के लिए थोड़ा रास्ता आसान हो गया, ठीक है, तो ओवरऑल केस देखो तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है कि डी डेल एच वैल्यू विल बी लेस देन 50 किलो जूल, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, इन दैट केस ए बी सी दिस थ्री ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में इसमें अगर देखिए आप तो बेसिकली आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोटो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा गया है, क्या है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 124 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब बाय अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ द मैक्सिमम असर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, फाइंड आउट द विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला प्रोसीड करते हैं, इसमें मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज, कैसे जाया जाए, तो पहले मैं क्या करता हूँ फोटोन का जो एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी 1240, क्योंकि नैनोमीटर में दिया है तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे 1240 से डिवाइड कर दिया, दिस इज गोइंग टू बी आवर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ से निकल के आएगी ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस, ये इन्होंने मेंशन किया वर्क फंक्शन दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाउ मच, दैट विल बी 10 - 6, दैट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान है ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे आंसर के अंदर दिया हुआ है आपका 4 जूल, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है, ये मिस्टेक आप जेई एडवांस में बिल्कुल मत करना, जो यूनिट्स है उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ रहा है उसके बावजूद भी आप गलत करके आ रहे हो, तो आप ये सके सके इन दैट के सबसे ज्यादा आपको पछतावा होगा इस क्वेश्चन को लेके, तो वही ट्राई करना कि आप एक बार जब आंसर दो तो उसमें यूनिट को भी चेक कर लो कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इन्होंने कैलकुलेट करके आ रहा है तो आंसर के अंदर 4 देखते ही आप टिक करके चले गए, ठीक है, तो वो मत करना, आप एक बार आंसर चेक कर लेना, उसके साथ साथ आंसर के साथ साथ यूनिट भी चेक कर लेना कि द यूनिट गिवन यूनिट इज सेम आर नॉट, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट आंसर इज आवर 4 किलो जूल, यहाँ पे दिया 4 जूल दिया हुआ है, तो क्लियरली वी कैन नॉट गो विथ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट। नाउ बी की बात करते हैं, तो इन द केस ऑफ बी मिनिमम असर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 नैनोमीटर, सिंपल सा केस है कि आपको डेल पी दिया हुआ है, मींस असर्टेनिटी इन द मोमेंटम दे हैव गिवन, वी कैन इजीली कैलकुलेट द मैक्सिमम असर्टेनिटी इन द पोजीशन, मिनिमम सर मिनिमम असर्टेनिटी इन द पोजीशन वी कैन इजीली कैलकुलेट, कैसे प्रोसीड किया जाए, हम लोग को पता है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डेल एक्स इंटू डेल पी वेयर डेल पी इज द मोमेंटम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है, नाउ डेल पी दे हैव गिवन, डेल पी इज एच बाई 4 पाई इंटू 10 पावर 9, ठीक है, इज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई, यानी कि ये एच बाई 4 पाई विट गेट कैंसिल, डेल एक्स इज इक्वल टू 10 पावर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 पावर -9, समझ सकते हो आप कि ये मिनिमम एरर होगा, डेल एक्स की वैल्यू 10 पावर -9 मीटर से ज्यादा हो, मीन्स असर्टेनिटी इन द पोजिशन विल बी ग्रेटर देन 10 पावर -9, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम असर्टेनिटी है, तब केस सिंपल सा है कि ये 10 पावर -9 मीटर जो कि इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 नैनोमीटर के, वी कैन गो विथ ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी की बात करें तो सी के केस में मैक्सिमम असर्टेनिटी इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 3 पिकोमीटर, अब इसको कैसे प्रोसीड किया जाएगा 3 पिकोमीटर के लिए, तो यहाँ पे देखो एक रिलेशन हम लोग जो है यहाँ से निकाला है, डेल एक्स इंटू डेल पी असर्टेनिटी इन द पोजिशन असर्टेनिटी इन द मोमेंटम, यहाँ पे भी वैसे ही किया जा सकता है, क्या करना होगा आपको कि यहाँ से या तो हम लोग को ये वैल्यूज दिया हुआ है इन्होंने कि असर्टेनिटी इन द मोमेंटम दे हैव गिवन, उसको कैलकुलेट करके हम लोग असर्टेनिटी इन द पोजिशन निकाल सकते हैं, सॉरी असर्टेनिटी इन द वेवलेंथ निकाल सकते हैं, सिंपली ये भी यूज किया जा सकता है कि डेल एक्स इंटू डेल लेमडा, देखो
मोमेंटम को हम लोग लेमडा के टर्म में भी लिख सकते हैं, और यहां से जो टर्म्स बनता है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम बी, तो उसी का यूज करके इस रिलेशन से इस रिलेशन पे पहुंचा जा सकता है, दैट विल बी ग्रेटर देन लेमडा स्क्वायर बाई 4 पाई, ये रिलेशन आता है। ठीक है, यहां पे मैं इक्वल कर देता हूं, बिकॉज यहां पे अगर मैक्सिमम दिया हुआ है ना मोमेंटम में, तो मैक्सिमम इसमें भी होगा, मैक्सिमम असर्टेनिटी इन द मोमेंटम दैट मीन्स मैक्सिमम असर्टेनिटी इन द वेवलेंथ ऑल्सो। ठीक है, तो यही केस आगे अगर प्रोसीड किया जाए, ठीक है, तो डेल एक्स की वैल्यू हम लोग को बताया दैट इज 10⁻⁹ मीटर, डेल लेमडा दैट विल बी लेमडा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर कितना वैल्यू हो जाएगा, तो सिंपल सा पता है कि हम लोग को लेमडा इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन बोल्ट में, तो 150 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन बोल्ट दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एंगस्ट्रॉम में दे देगा। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में दे देगा, तो लेमडा की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 150 डिवाइड बाई 4, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे ध्यान है कि एंगस्ट्रॉम में, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁰, अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है, और यहाँ पे डेल लेमडा जिसको हम लोग रख सकते हैं 150, ठीक है, 150 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई 10⁻⁹ इंटू 3.14 एक और 4 आएगा, सॉरी यार आई एम डूइंग मिस्टेक, एक और 4 आएगा, क्यों, क्योंकि ये देख लो आप, ये वाला 4 तो रह गया ना 4 पाई, लेमडा स्क्वायर को मैंने किया तो 150/4 वही आ गया। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो तो 16 × 3 ये जो वैल्यू आएगा नियर बाई 30 पिकोमीटर आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या आंसर दिया हुआ है, 3 पिकोमीटर, दैट इज इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट है। डी की बात कर ले तो डी के केस में क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम असर्टेनिटी इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 30 पिकोमीटर, सही है, अप्रॉक्सीमेटली 30 पिकोमीटर देगा, तो डी इज करेक्ट। ठीक है, डेल लैम्डा इज इक्वल टू 30 पिकोमीटर, ये दिया है आंसर हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्लियरली वी कैन गो विथ ऑप्शन बी एंड डी, ठीक है, बी एंड डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मेंशन किया गया, 2.5 लीटर फ्लास्क कॉन्टेन 0.25 मोल्स ऑफ ईच ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये तो आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो वॉल्यूम है ये मेंशन किया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के लिए जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ जाएगा 0.25 × 0.25, आर की वैल्यू रख लो दैट इज 0.0821, और टेम्परेचर दे हैव मेंशन दैट इज हाउ मच 300 केल्विन। अब यहाँ से अगर आप प्रेशर निकालना चाहोगे तो इजिली निकाल सकते हो, बिकॉज वॉल्यूम दे हैव गिवन फॉर द फ्लक्स दैट इज 2.5, क्लियर है। अब यहाँ से अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करते हो तो ये जो वैल्यू आएगी अराउंड जो है 4.99 × 10⁵ पास्कल के आसपास में वैल्यू आएगी टोटल जो प्रेशर होगा। मैं डायरेक्ट पास्कल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एटीएम में आप निकालोगे तो एटीएम से डायरेक्ट आप उसको मल्टीप्लाई कर देना 1.013 × 10⁵ पास्कल, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट आपका पास्कल में आ जाएगा। अब ये टोटल प्रेशर है, तो ये आंसर ऑप्शन दिया हुआ है कि टोटल प्रेशर इन द फ्लास्क इज 4.99 × 10⁵ पास्कल, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। एक ही बात कर ले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 2.49 × 10⁴ पास्कल, यहाँ पर क्लियरली क्या कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल, दोनों इक्वल ही होंगे ना, क्या हो जाएंगे 1/2 × 4.99 × 10⁵, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2.49 × 10⁵ पास्कल, ठीक है, ये दोनों का हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो ये आसान प्रॉब्लम है, तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 2.49 × 10⁴ पास्कल, ये तो गलत हो जाता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट टोटल प्रेशर ऑफ फ्लास्क इज 4.99 × 10⁵ पास्कल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सी की बात कर लें, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इज 2.49 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब ये कैसे है, पास्कल को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं, सी इज करेक्ट। नाउ डी ऑप्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज 0.22 atm, जो कि इनकरेक्ट हो जाता है, अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2.4 atm के आसपास में आएगा, नॉट 2.22 atm, तो यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली वी कैन गो विद ऑप्शन बी एंड सी फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग,
इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन, किसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट होगा, तो क्रिस्टलाइन अर्थोबोरिक एसिड, अर्थोबोरिक एसिड का लास्ट टाइम में भी डिस्कशन आया था कि ये इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनाता है ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनाएगा। हियर वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग एंड नॉट इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो क्लियरली ए कैन नॉट बी आवर आंसर। एसिटिक एसिड इन द बेंजीन सॉल्वेंट, अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो यहां पे भी इंट्रा तो नहीं देखने को मिलेगा, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पॉसिबल होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल होगा। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात करें, क्रिस्टल ऑफ आइस में वाटर का जो है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर यहाँ पे भी नहीं देखने को मिलेगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे भी पैरा पोजीशन पे अर्थ होता तो सोचा जा सकता था, बट इन पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो इसमें से कोई भी केस नहीं है जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पॉसिबल है, और वही पूछा गया है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट, कि कोई भी केस सभी केस कंसीडर हो जाएंगे। तो क्लियरली वी कैन गो विद ऑप्शन ए बी सी डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे मेंशन किया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन टू और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से केसेस हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो वन बाई वन केस कंसिडर करते हैं। पहला इन्होंने मेंशन किया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद D6 कॉन्फिगरेशन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद D6 कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में मेंशन किया है दिस इज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इस केस में, तो यहाँ पे आ गया T2g ऑर्बिटल और यहाँ पे हो गया EG ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाएगा, 1, 2, 3। अब यहाँ पे मेंशन किया गया कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो 4th यहाँ पे जाएगा, 5 यहाँ पे जाएगा, 6 यहाँ पे जाएगा। क्लियरली वी कैन सी देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम लोग को चाहिए 2 या 2 से ज्यादा। यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ बी की तरफ मूव करें, तो बी के केस में दिया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दिस इज आल्सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देन D4 कॉन्फ़िगरेशन एंड लो स्पिन। ठीक है, दिस इज लो स्पिन, तो यहां पे भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है, बस यहां पे ये डिफरेंस आया। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, 1, 2, 3 एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन द T2g ऑर्बिटल। क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सही बात है, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं, तो सी में जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ इन्होंने जीनॉन, यही हम लोग ने जीनॉन का कंपाउंड फॉर्म किया था, जिसको डिटेक्ट किया गया था कि जीनॉन नोवल एलिमेंट है जो कि फॉर्म कर सकता है कंपाउंड, यहाँ पे जो है प्लेटिनम के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए बेसिकली इसको ब्रेक किया जाए तो जीनॉन प्लस होगा और साथ साथ में यहाँ पे प्लेटिनम F6, ये जो ऊपर ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन आएगा इस पर अगर हम लोग देखें तो ये माइनस आएगा, यानी कि प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है यहाँ पे +4। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका ये है +4। ठीक है, +4 या +5, सॉरी, तो यहाँ पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा इस केस में ये आएगा D5 कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है, देखो आप जीनॉन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात किया तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास में है और D5 है, तो क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस केस ऑल्सो। क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस केस ऑल्सो। तो टोटल देखोगे आपकी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस के लिए भी देखा जा सकता है, तो वी कैन गो विथ ऑप्शन सी। और डी की बात करें, ध्यान रहे कि ये फ्लोरीन भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा फॉर द प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस के लिए। नाउ नेक्स्ट केस देखा जाए H2, यहाँ पे प्लेटिनम Cl6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है, यहाँ पे अगर लिखोगे आप तो ये जो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ये +4 आएगा और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा D6 होगा। अब चूंकि क्लोरीन एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह लिगेंड की तरह काम करेगा तो ये डायमैग्नेटिक होगा, मींस एक तरीके से देखो आप तो पेयरिंग मिलाकर जो है T2g ऑर्बिटल में पेयरिंग होगा, इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहो दैट विल बी D2sp3। ठीक है, तो ये हो जाएगा D2sp3। तो क्लियरली वी कैन गो विद ऑप्शन ए बी सी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मेंशन किया गया है, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग मैग्नीशियम क्लोराइड कैन बी रिमूव। तो हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो देखो हार्डनेस किसकी वजह से होता है, बेसिकली आप जो है मैग्नीशियम या कैल्शियम सॉल्ट ले लो उसकी वजह से होता है। तो ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है, एक होता है सोडियम पॉलीफॉस्फेट,
सोडियम पॉलीफॉस्फेट में क्या होगा कि मैग्नीशियम पॉलीफॉस्फेट के साथ कंपाउंड फॉर्म करके प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो ए इज करेक्ट, वी कैन गो विथ ऑप्शन ए कि हम लोग यूज कर सकते हैं सोडियम पॉलीफॉस्फेट। सिमिलरली एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के केस में भी यही है कि ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और क्लियरली वी कैन रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, सी बात करें बॉइलिंग ऑफ सैंपल, इससे नहीं होगा, बॉयल किया जाएगा तो आयंस तो ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे ना, कैल्शियम सॉल्ट हो गया या मैग्नीशियम सॉल्ट हो गया, आयंस है वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिमूव कर दिए जाए तभी प्रॉब्लम सॉल्ट आउट हो सकता है, यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव, देन बी सी नहीं हो सकता है। डी के केस में ट्रीटिंग विद एसिडिक रेजिन, हाँ एसिडिक रेजिन के साथ अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो वी कैन इजिली रिमूव द करेस्पॉन्डिंग कैटायंस मैग्नीशियम 2+ एंड कैल्शियम 2+। तो यहाँ पे आंसर जो करेक्ट होगा हमारा इस केस में ए बी डी नॉट सी। ठीक है, तो और कुछ करने के लिए इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर एक बार आप हाइड्रोजन चैप्टर में ये क्वेश्चन है थोड़े बहुत एक बार जस्ट एनसीईआरटी प्योरली आप एनसीईआरटी देख लेना हाइड्रोजन चैप्टर का, और कुछ वहाँ पे देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक बार जस्ट एनसीईआरटी के कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया या जो भी इस तरीके से हार्डनेस ऑफ वाटर होगा उसको जस्ट एक बार देख कर आओ, क्योंकि अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाए स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन तो वहाँ से आपको ये मतलब ईजिली बनने चाहिए बस ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, तो ये कर दिया हुआ इन्होंने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो कर्व है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये हो गया ए बी, ठीक है, यहाँ से बी सी और यहाँ से सी, ठीक है, यानी कि एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। अब देखिए इसमें जो मेंशन किया हुआ है डेटा 0.5 atm, ये हो गया 1 atm, के वॉल्यूम इन्होंने मेंशन किया है 2 liter और ये है 4 liter। नाउ द इंथैल्पी चेंज फॉर ओवरऑल प्रोसेस इज 0, बिल्कुल सही है, बिकॉज हम लोग को पता है कि इंथैल्पी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो फाइनली तो ये ए पे आया था, ए से चला था और ए पे पहुंच गया, एंथैल्पी चेंज विल बी 0, ए इज करेक्ट ओनली। बी की बात कर ले तो बी के केस में मेंशन किया गया कि फॉर ओवरऑल प्रोसेस डेल एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों कंडीशन दिया हुआ है, इक्वल टू 0, बिकॉज देखो होगा क्या कि डेल यू भी तो स्टेट फंक्शन है, तो डेल यू भी 0 होगा, डेल एच भी 0 होगा, तो दोनों कंडीशन मेंशन कर दिया। अगर ये नहीं होता तो हम लोग ये कंडीशन भी इनकरेक्ट बोल देते, इक्वल टू दे दिया है तो जो है डेल एच ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल यू फॉर ओवरऑल प्रोसेस, मतलब दोनों इक्वल ही होगा, वो भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता और ये भी करेक्ट ही स्टेटमेंट है, वी कैन गो विद ऑप्शन बी ऑल्सो। सी के केस में देखिए आप, तो बोला गया कि हीट एक्सचेंज इन द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए इज 50.66 joule, हीट जो एक्सचेंज हुआ कैसे निकाला जाए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगा लो, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि जो है डेल यू 0 है तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे वर्क डन इस एरिया से निकाला जा सकता है, इस एरिया से ध्यान है कि एक्सपेंशन वाला वर्क डन ज्यादा है तो वर्क डन यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो कितना हो जाएगा इसको एरिया को थोड़ा सा हम लोग कंसिडर करते हैं, ये रहा 1.5 तो 0.5 into 0.5, देखो माइनस है क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो मैं माइनस और माइनस प्लस कर देता हूँ 0.5, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये 2 है, तो सिंपली हम लोग का जो वर्क डन जाएगा इस केस में दैट विल बी 0.5 liter atm। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो लीटर एटीएम से तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, जो कि आपको जूल में दे देगा एनर्जी, यानी कि सी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ इन ऑप्शन डी द टोटल वर्क डन, अभी अभी ऐसा कैसे कि जो वर्क डन होगा वो यहीं से निकल के आ जा रहा है, हम लोग वर्क डन तो निकाल ही रहे हैं, दैट इज माइनस 50.66 joule, यानी कि डी इज ऑल्सो करेक्ट, वी कैन गो विथ ऑप्शन ए बी सी डी, ऑल 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इस केस में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इन करेक्ट, देखें वन बाई वन, तो ऑप्शन ए में देखिए सिंपल सा केस है ये आपके सामने, ठीक है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन अकर होगा, यहाँ से क्लोरीन और निकल के आ जाएगा, यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा ये कुछ इस केस में ऐसे दिखेगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन बी की बात करें, तो बी के केस में प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, यहाँ पे है आपका OH और यहाँ पे H+ है, ध्यान है कि ये हमारा डिफरेंस है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, होगा एल्काइलेशन बट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इसको नहीं कंसीडर करते हैं। कैसे होगा इसमें रिएक्शन, ये इसको प्रोटोनेट करेगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा जिसकी वजह से इसको हीट दिया जा रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, मैं बना देता हूँ एक बार, कार्बोकैटायन विल फॉर्म हियर, ठीक है, कार्बोकैटायन विल फॉर्म,
और फिर इसका जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर होगा एट बेंजीन रिंग, क्योंकि प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसे लेगा, अगर प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म किया जाए तो ये प्रोडक्ट आपको देखने को कुछ ऐसे मिलेगा, देखना ध्यान से आप लाइक दिस, ठीक है, दिस विल बी द प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, देखो आप शायद इसकी वजह से आप भी एरर कर सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट ये दिया है बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो फिर इन दैट केस बी विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो दूसरा दिया हुआ है। सी की बात करें तो सी के केस में देखिए आप बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, देखिए आप NH2 ठीक है इसको ट्रीट किया हुआ है इन्होंने CH3Cl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ठीक है, और क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया है दैट इज NH2 CH3, क्या ये करेक्ट हो सकता है? देखिए क्यों इनकरेक्ट है इस चीज को समझते हैं, ये जो एनिलीन है ना, एनिलीन की बात करें तो एनिलीन एक बेस है, लेविस बेस है, और AlCl3 एक लेविस एसिड है, एक प्रोटॉन डोनर और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्या होता है कि इन दैट केस ये AlCl3 के साथ एडक्ट फॉर्म कर लेता है, तो अगर हम लोग एल्काइलेशन कराना चाहें इस केस में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वी कैन नॉट गो विद द एल्काइलेशन या एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बिकॉज जो AlCl3 मेन प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ इस AlCl3, पहले भी डिस्कशन का पार्ट बना होगा जब हम लोग डिस्कस किए होंगे व्हाई देयर इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन इज नॉट पॉसिबल विद एनिलीन एज वेल एज द फिनॉल, इन दोनों केस में बिकॉज इट विल फॉर्म एडक्ट, इसके साथ जो है रिएक्शन में जाएगा इट इज गोइंग टू फॉर्म एडक्ट, तो सी ऑल्सो बेसिकली हम लोगों से पूछा गया था कि विच रिएक्शन आर इनकरेक्ट, तो हम लोग का ये भी इनकरेक्ट हो जाता है प्रोडक्ट। डी की बात करें तो डी के केस में तो करेक्ट है, सही है, ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, कैसे प्रोडक्ट बना हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे है सी एल, यहाँ पे है बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अकर होगा, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो कि फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या दे देगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे दे देगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे बेंजीन, तो क्लियरली वी कैन गो डी, डी इज ऑल्सो करेक्ट। अब हमसे पूछा गया है कि विच आर इनकरेक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हम लोग के लिए इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी और सी, ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक में तो बेंजीन रिंग को इन्होंने गायब कर दिया, हाइड्रोजनेट करा दिया जो कि पॉसिबल नहीं है, और दूसरे के केस में नाइट्रोजन के साथ इन्होंने सॉरी एनिलीन में इन्होंने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराया जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज एनिलीन विल फॉर्म एडक्ट विथ AlCl3, यहाँ पे AlCl3 के साथ एडक्ट फॉर्म करेगा जिसकी वजह से ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो वी कैन गो विथ बी एंड सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली यहाँ पे पूछा गया है विच आर द करेक्ट आर इनकरेक्ट, ठीक है, द कंपाउंड दिस कैन गो अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, क्या कंडीशन होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, तो बेसिकली देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में बिल्कुल जा सकता है, ए इज करेक्ट। नाउ इन बी क्या मेंशन किया गया है, ये जो कंपाउंड है राइट सी डबल बॉन्ड ओ कैन इजीली फॉर्म हाइड्रेट, इजीली हाइड्रेट फॉर्म कर सकता है, ये क्यों, देखिए आप जब हाइड्रेट फॉर्म करेगा बेसिकली यहां पे क्या होगा कि ये कार्बोनिल इलेक्ट्रोफिलिक है OH जाके जुड़ जाएगा, अब ये क्यों फॉर्म करेगा इस चीज को समझते हैं, OH यहां ग्रुप जुड़ जाएगा ये हाइड्रेट, तो कैन इजिली फॉर्म हाइड्रेट, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज देखो जब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, अभी क्या है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, बॉन्ड एंगल कितना दिया हुआ है sp2 के लिए, कितना होना चाहिए sp2 के लिए होना चाहिए 120, लेकिन यहां पे बॉन्ड एंगल है 60, अब बिकॉज देयर इज अ लार्ज डेविएशन ऑफ एंगल स्ट्रेन, मतलब एंगल इसमें अच्छा खासा एंगल स्ट्रेन देखने को मिलेगा इन दिस रिंग, ठीक है, अब इस जब ये कन्वर्ट हो रहा है, मिस अगर मैं बात करूं जो एंगल स्ट्रेन होगा बेयर्स एंगल स्ट्रेन इसकी बात किया जाए तो ये हो जाएगा 120 माइनस 60, ऑलमोस्ट 60 का एंगल स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब यहां पे बात किया जाए तो क्या हो जाएगा कि ये कार्बन अब sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो है इसके इसमें अभी भी ये 60 है, लेकिन अब चूंकि sp3 होगा तो उतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, जैसे क्या होगा कि पहले एंगल होना क्या चाहिए 109 और माइनस 60 यानी कि 49, तो एक अच्छा खासा एंगल स्ट्रेन रिलीव कर रहा है जब ये हाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट इन दैट सिनेरियो। सी की बात कर ले तो कंपाउंड दिस वन दैट इज बेंजाइल है,
undergo Cannizzaro reaction. इसमें तो हम लोग देखें तो there is no alpha hydrogen. तो alpha hydrogen नहीं है तो Cannizzaro reaction ही करोगा, C is also correct. ठीक है, D की बात कर ले तो यहाँ पे दिया हुआ है कि this compound CH3CHOH, ठीक है, OCH3 अगर ये आप पहचान पाओ तो बहुत सही है, फिर तो आप क्वेश्चन कर पाओगे. ये है हमारा हेमी एसिटल. हेमी एसिटल्स आर अनस्टेबल और तुरंत जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं. मान लो कि ये बोला गया कि पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, तो इनकी खासियत क्या होती है कि ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे अगर एसिडिक मीडियम रखा गया मीडियम के अंदर, ये अनस्टेबल होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे दिस कंपाउंड. और हम लोग को पता है कि ये जो कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड है, जो कि इजिली टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दे सकता है, एल्डिहाइड के लिए टेस्ट टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट होता है, तो डी इज ऑल्सो करेक्ट. ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. क्या दे दिया इन्होंने कि लगेगा कि ये एल्डिहाइड नहीं है, इसको कैसे टेस्ट देगा, लेकिन चूंकि ये हेमी एसिटल है और हेमी एसिटल हाइड्रोलाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, इस वजह से ये भी टेस्ट कंपाउंड का जो टेस्ट है, जो भी प्रॉपर्टीज है एल्डिहाइड की ऑलमोस्ट सब लगभग देखने को मिलता है. सिमिलरली हम लोग कार्बोहाइड्रेट में भी मेंशन किए होंगे कि ग्लूकोज हो जाए या फ्रक्टोज हो जाए, दे ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, क्योंकि वहां पे भी वो हेमी एसिटल फॉर्म में है और ओपन चेन स्ट्रक्चर में जाएंगे तो एल्डिहाइडिक फॉर्म में आ जाएंगे. तो A, B, C, D, all four options will be correct for the question number 9. ठीक है? Question number 10 देखते हैं. ठीक है? तो क्या mention किया गया है? Which of the following reaction is correct? Option A में क्या दिया गया कि इसको benzene को इन्होंने chlorination कराया. In the presence of AlCl3. ध्यान रहे कि इन्होंने इसको excess amount में लिया हुआ. तो क्या हुआ excess amount में? ये जाकर react कर जाएगा. Chlorine यहाँ जुड़ जाएगा. क्लोरीन जुड़ जाएगा. जब एक्सेस अमाउंट में आ तो एवरी पोजीशन पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्लोरीन जाकर जुड़ जा रहा है. क्लियर है बात? ध्यान रहे कि ये हम लोग का गैमेक्सिन मॉलिक्यूल नहीं है. गैमेक्सिन में ये नहीं होता है. गैमेक्सिन एक आइसोमर्स होता है, उस इस कंपाउंड का एक आइसोमर्स होता है, स्टीरियो आइसोमर्स होता है इस कंपाउंड. लेकिन यहाँ पे चूंकि वहां पे कंडीशन अलग रखना पड़ेगा, AlCl3 नहीं रखेंगे हम लोग, वहां पे हीट देते हैं, एक बार वो भी रिएक्शन आप देख लेना. सिमिलरली अगर इसकी बात करें हम लोग, बेंजीन का इन्होंने ट्रीट किया हुआ है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, यहाँ पे आप AlCl3 भी यूज कर सकते हो. ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीनेशन करा देगा एट पोजीशन पे, यानी कि ए इज तो करेक्ट है, ये बी भी करेक्ट है. नेक्स्ट देखिए आप, सी देखें हम लोग, तो सी के केस में यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3. क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रेशन भी लगा और जब नाइट्रेशन होगा तो दोनों प्रोडक्ट इसमें देखने को मिलेगा, अर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों देखने को मिलेगा. ठीक है, अर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, सी हो गया. डी की बात करें तो डी के केस में NH2 दिया हुआ है जिसका हम लोग नाइट्रेशन करा रहे हैं, एनिलीन का नाइट्रेशन करा रहा है. और क्लियरली इसमें मेंशन किया गया कि जब आप एनिलीन का नाइट्रेशन कराओगे तो मेटा जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में फॉर्म करके आता है. तो पहले तो सबसे ज्यादा तो होता है इसमें पैरा ही है, लेकिन मेटा उसके बाद होता है, अराउंड 47% के आसपास है मेटा का भी कंपोजिशन होता है अगर हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं एनिलीन का. तो ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्थो, तीनों बना दो, अर्थो मेटा पैरा, अर्थो मेटा, ठीक है, और ये लास्ट यहां पे ए भी करेक्ट हो जाता है. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट, डी इज ऑल्सो करेक्ट. तो इस केस में भी आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी डी, ऑल फोर ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10. सेक्शन 3 की तरफ क्वेश्चन 1 देखें हम. ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या मेंशन किया गया है कि एट व्हाट पीएच ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज 0.27 वोल्ट. ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, यहां हाफ एस टू ये कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये कन्वर्ट हो रहा है H+ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये होगा सेल का रिएक्शन, सेल रिएक्शन ये हो गया. तो आपको क्या कंसीडर करना है कि कौन सा पीएच वैल्यू होगा जिसमें कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है E इज इक्वल टू E नॉट, तो वैसे भी जीरो होगा इस सेल के लिए, -0.061 इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑफ H+ कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई H+ कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दे हैव गिवन इनटू हाफ. ठीक है, इसको आपको कंसीडर करना है. तो आप देखो जो E नॉट वैल्यू है, E वैल्यू दे है, E नॉट तो जीरो हो जाएगा फॉर दिस सेल, E वैल्यू दे हैव गिवन 0.27 वोल्ट और जो हमारा है यहां पे 0.06 लॉग ऑफ
एच प्लस कंसेंट्रेशन बेसिकली मुझे चाहिए, यही निकल जाएगा तो पी एच निकल आएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा अगर मैं इसको इधर भेज दूँ एच प्लस बी पार्शियल प्रेशर ऑफ एस टू हाफ, ठीक है। तो आप इसको इधर लेते आओ तो 0.27 माइनस 0.06 लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ एच माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू, इसको मैं इधर रख दू, हाफ को इधर लेते आता हूं। तो यहां पे इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आई थिंक आएगा आपका, दैट विल बी अगर इसको कैंसिल आउट कर दिया जाए तो 27/6 यानी कि ये वैल्यू दे देगा आपका 9/2 यानी कि 4.5 माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू यानी कि हाफ, पार्शियल प्रेशर इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है 0.1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू 10^-1, ठीक है। इसको आप इधर लेते आओगे, इस वाले वैल्यूज को अगर इधर लेके आते तो पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा, पी एच इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। पी एच इन दैट केस विल बी 5 क्योंकि माइनस यहाँ से पी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसेंट, माइनस लॉग ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत किया है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू हाउ मच 4.5 और ये वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस 0.5 इधर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो पी एच विल बी 5 यानी कि इस केस में आंसर विल बी 5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कैलकुलेट द केसी ऑफ द रिएक्शन, आसान है केसी निकालना इसके लिए आसान है, क्या दिया हुआ है इन्होंने, SO2 plus half O2 रिएक्टेड एंड फॉर्म्ड SO3 गैस, जिसके लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम लोग को केसी निकालना है, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए केसी निकालना है। अब रिएक्शन क्या दिया हुआ है, 2NO प्लस O2 ये फॉर्म कर रहा है 2NO और KC1 दिया हुआ है इसके लिए KC1 दैट इज 144। सिमिलरली आप देखो दूसरा रिएक्शन है NO आपस में रिएक्ट कर रहा है SO3 के साथ में और ये फॉर्म कर रहा है NO2 प्लस SO एंड KC2 फॉर दिस रिएक्शन इज 3, तब यहां पर क्या चाहिए आपको, KC का एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं तो रिएक्शन कैसे लिखा जा सकता है कि फर्स्ट वाला जो है अगर उसको मैं हाफ कर दूं, फर्स्ट रिएक्शन अगर मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और इस सब क्वेश्चन के लिए हम लोग ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन अगर चाहिए होगा तो क्या करना होगा, फर्स्ट वाले रिएक्शन वन को, रिएक्शन फर्स्ट को क्या करना होगा आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा रिएक्शन नंबर 2 को, ठीक है। रिएक्शन फर्स्ट को आप 2 से डिवाइड कर दो और रिएक्शन 2 को माइनस कर दो। अब ये तो रिएक्शन की बात हुई, लेकिन अगर केसी की बात करें तो केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप क्या करो इसको, चूंकि आपने क्या किया इसको 1/2 किया हुआ है रिएक्शन 1 को, क्या करना होगा आपको 1/2 मींस इसको स्क्वायर रूट लेना होगा KC1 को और डिवाइड बाई, माइनस किया तो डिवाइड कर दो 3 से, तो यहां पे बेसिकली इसको एक्सप्रेशन में मैं लिख देता हूँ KC2, यहाँ से क्या हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट दैट विल बी 12 डिवाइड बाई 3 दैट विल बी 4, तो 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी मिक्सचर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाई P इज इक्वल टू दैट इज 100 प्लस 200 XA, ठीक है, वेयर XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 मोल ऑफ ए, ए का जो मोल है नंबर ऑफ मोल्स ए के लिए 2 है और बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 3 आर रिमूव्ड इफ द वेपर आर रिमूव्ड, जो वेपर है उसको रिमूव किया गया है एंड देन कंडेंस इनटू लिक्विड एंड अगेन ब्रॉट टू द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, इफ द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर स्टेट इज द X:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि ये दो स्टेप में प्रोसेस हो रहा है, पहला इन्होंने क्या किया, जो लिक्विड मिक्सचर रखा हुआ था उसका कुछ वेपर फॉर्म करेगा, उस वेपर को इन्होंने सेपरेट किया, उसको इन्होंने कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उस लिक्विड के ऊपर जो है वेपर जो फॉर्म करके आ रहा है उस केस में ए और बी का जो वेपर मोल्स के रेशियो है उसको पता करना है। तो हम लोग को जो है दो स्टेप जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि किस तरीके से इसमें ओवरऑल जो है मोल्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है जो वेपर में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो एक्स ए की वैल्यू अगर 1 में रख दूं, एक्स ए की वैल्यू 1 रख दिया जाए तो ये 300 mm आ जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 आ गया। अच्छा, नेट जो प्रेशर है, पार्शियल जो नेट पी टोटल है, अगर उसको निकालना चाहे इस कंडीशन के लिए, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5। तो यहां भी क्या करो आप, जो टोटल प्रेशर है ड्रिच कंडीशन, दैट इज इक्वल टू 200 इनटू 2/5, यहां से अगर आप निकालते हो ये हो जाएगा 180। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 180। अब सिंपल सा केस है, आप आपके इस, अब इस केस में अब हमारे लिए सिंपल हो जाता है, पी टोटल दे हैव गिवन 180। तो अगर वेपर प्रेशर निकालना होगा इस केस में, कि हाउ मेनी वेपर प्रेशर में नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे जाओगे आप, देखो इसमें तो मैं क्या करता हूँ, वाई ए निकालता हूँ, वाई मीन्स जो वेपर फॉर्म करके आया हुआ है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक है, तो देखो आप जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, इसके लिए कैसे अप्रोच जाएगा, पी ए इंटू एक्स ए, ठीक है, डिवाइड बाई पी टोटल, यही तो जाएगा, पी ए इंटू एक्स ए, दैट विल बी पी नॉट, में लिख देता हूँ, पी नॉट इंटू एक्स ए इज इक्वल टू पी टोटल, पी नॉट एक्स ए क्या है तो 300 इंटू एक्स ए मेंशन किया गया है, दैट इज एक्स ए इज इक्वल टू 2/5 डिवाइड बाई पी टोटल, दैट इज इक्वल टू 180, दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हो इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 2 120, तो यहां पे जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 2/3। ये क्या दिखा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर, किस वेपर में, जो इनिशियली सॉल्यूशन लिया गया है जिसमें कि 2 मोल ए है और 3 मोल्स बी, उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर बना है इसमें 2/3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें तो ये आप कैसे निकालोगे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी डिवाइड बाई पी टोटल। ठीक है, पी नॉट बी कितना है यहाँ पे, पी नॉट बी सॉरी ये 100 हुआ ना, एक्स ए 0 हुआ तो 100, तो 100 इंटू एक्स बी की वैल्यू बात करें तो 3/5, ठीक है, इंटू 180, ये जो नंबर आप मोल देगा देख लो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने से 20, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 180, दैट इज इक्वल टू 1/3। ये मोल हो गया किसका, जो वेपर फॉर्म किया है, अब इस वेपर को इन्होंने कंडेंस कर दिया और कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट कर, अब इसके ऊपर जो वेपर फॉर्म कर रहा है ना उसका हम लोग को पता करना है कि जो वेपर में मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, कैसे अप्रोच आएगा थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी सिंपल सा कैसे कि y डैश में a लिख देता हूं, y डैश a इज इक्वल टू हाउ मच, 2/3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा इसका, सॉरी प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 300, वही तो रहेगा, उसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। अच्छा, टोटल प्रेशर ऑफ कितना हो जाएगा, तो 2/3 इंटू 300 प्लस 1/3 इंटू 100। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जाए तो हो जाएगा 6 + 1 = 7 और यहां पे हो जाएगा 6, तो 6/7 यहां पे आ जाएगा। y डैश b की बात कर लें, y डैश b क्या है, अब जो प्रेशर बन रहा है ना वेपर प्रेशर, उसमें नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ b कैसे जाए इसमें, तो 1/3 इंटू 100। ठीक है, अब ये सब कैसे कि ये 2/3 टोटल प्रेशर हो जाएगा 300, ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, बट एक बार देख ले तो 1/3 इंटू 100 ये क्या हो जाएगा, 1/7। हम लोग को इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 6/7 डिवाइड बाई 1/7, क्लियरली वी कैन गो विद ऑप्शन, गो विद 6, तो 6 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने एक पेप्टाइड दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ पूछा गया, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एसेंशियल अमीनो एसिड। मैंने सिंपल सा फंडा दिया था कि अगर मैं एसेंशियल अमीनो एसिड निकालना चाह रहा हूं, तो मैं बोला था ट्राई दिस VIP मोल, ठीक है, ये आप यूज करो। ठीक है, एक बार जस्ट मैं बता देता हूं, यहां पे ट्राई दिस VIP मोल, तो ये ट्रिप्टोफैन था, ये थ्रियोनिन था, हिस्टामिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन यहाँ पे था, प्रोलिन था, उसी तरीके से मिथायोनिन था, एलानिन था, लाइजिन और ल्यूसिन दोनों थे, तो ये पूरा का पूरा हम लोग का एसेंशियल अमीनो एसिड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे देखो आप जो स्ट्रक्चर दे रखा है वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड कितने प्रेजेंट है। एक बार जस्ट स्ट्रक्चर देखते चलते हैं और यहां से आइडिया लेते चलते हैं कि ये कौन सा अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे ये वाला केस आप देखिए, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपका OH होगा, तो ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ ज्वाइन कर रहा है,
क्या ये इस अमीनो एसिड की बात करें, कौन सा अमीनो एसिड इसकी अगर बात करें, सॉरी ये कार्बन यहाँ पे होगा, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कौन सा है ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन है, और टायरोसिन इसमें नहीं आएगा, अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड के कैटेगरी में टायरोसिन नहीं आएगा, तो दिस कैन नॉट बी अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसको लिंकेज किया हुआ है अनदर अमीनो एसिड के साथ में, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से, देखना आप ध्यान से, सी डबल वन ओ एन एच, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको दिखाना चाहूँ पूरे ग्रुप को, तो यहाँ पे ओ एच, ठीक है, यहाँ से NH2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखें तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा वैलिन है, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड है, वैलिन इज एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट आप देखिए, तो यहाँ पे हो गया NH, ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वैलिन, बस इसको डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर दिया इधर, तो दिस इज ऑल्सो वैलिन, लेकिन हम लोग को डिस्टिंक्स चाहिए, तो डिस्टिंक्स में ये तो दो बार काउंट होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए आप, तो ये हो गया हमारा फिनाइल, देखते ही लग जाए फिनाइल एलानिन की पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये हो गया हमारा फिनाइल एलानिन, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात कर लें, ये भी हमारा एक एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में, ठीक है, ये हो गया आइसोल्यूसिन, तो यहाँ पे एक हो गया फिनाइल एलानिन और ये हो गया आइसोल्यूसिन, तो टोटल अगर देखा जाए ये हो गया फिनाइल एलानिन, एक्सेप्ट दैट केस जिसको हम लोग बोल रहे हैं टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ये हो गया आपका आइसोल्यूसिन, ठीक है, तो ये तीन आ जाएंगे डिस्टिंक्ट एसेंशियल अमीनो एसिड, तो थ्री विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, इसमें बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एग्जिबिटेड बाई H2O2, ऑक्सीडाइजर इन एल्कलाइन मीडियम, बिल्कुल करेक्ट है, ब्लीचिंग एक्शन, ये भी करेक्ट है, ये डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिल्कुल सही है कि पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये इजिली बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑक्सीडाइजर इन द एसिडिक मीडियम, काम कर सकता है दोनों तरीके से, बिहेव कर सकता है, डिपेंड करेगा कि इसके साथ किसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस किया गया, रिड्यूसर इन द एसिडिक मीडियम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कंटेंट पोलर बॉन्ड, हाँ पोलर बॉन्ड कॉन्टेंट किया हुआ है, बिकॉज ये अगर देखा जाए एक प्लेन में नहीं होंगे, डिफरेंट प्लेन में होंगे, तो पोलर बॉन्ड इट कॉन्टेंट। सिमिलरली रिड्यूसर इन द एसिडिक मीडियम, बिल्कुल सही है, कॉन्टेंट पोलर बॉन्ड हो गया, रिड्यूसर इन द एल्कालाइन मीडियम, प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्ड, ठीक है सही है, ये भी इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस केस में आप देखो तो कौन सा कौन कौन से करेक्ट है, टोटल ऑल नाइन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट H2O2। एक बार आप H2O2 की प्रॉपर्टी देख लो, वहाँ से क्लियर हो जाएगी। कीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, तो यहाँ पे बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड आर कलर्ड एंड द इनसॉल्युबल इन द वाटर, कलर्ड भी हो और इनसॉल्युबल हो, इसकी बात करें तो AgI जो कि इनसॉल्युबल होगा और इसका जो कलर होगा ये आपका येलो कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ध्यान है AgCl कर्डियोइड प्रेसिपिटेट, AgBr येलो देगा, पेल येलो प्रेसिपिटेट देगा, और AgI जो है आपको डार्क येलो कलर दे देगा। देन नेक्स्ट देखिए HgI2 ये भी प्रेसिपिटेट ही फॉर्म करेगा और इसका जो कलर होगा ये रेड कलर आपको दे देगा। सिमिलरली निकल हाइड्रोक्साइड जो कि निकल के सॉल्ट होते हैं जनरली ग्रीन दिखाते हैं, ग्रीन कलर जो है आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। नाउ आयरन हाइड्रोक्साइड ये भी आपको रेड कलर सॉल्यूशन देखने को, रेड कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म करके देगा। कॉपर सल्फेट जो कि डिजॉल्व हो जाएगा जो है उसी तरीके से, सिल्वर अमोनिकल क्लोराइड जो कि हमारा डिजॉल्व हो जाएगा। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड तो ये जो है आपको ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करके देगा। देन आपका हो गया इसमें PbI2, सोडियम जिंकेट नहीं होगा जो दिया हुआ है, PbI2 ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करके देगा, येलो पीबी। तो कितने करेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, दिस सिक्स विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, इस केस में पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ गिवन कोड, सम ऑफ द कोड विथ द करेक्ट स्टेटमेंट इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे आप क्या करना है कि आपको फर्स्ट टू फोर जो है स्टेटमेंट दिए गए उसमें जो भी करेक्ट है उस पार्टिकुलर को सिलेक्ट करना है और उसको सम कर देना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वाले केस में क्या दिया हुआ है कि XeF4 अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑन द हाइड्रोलिसिस, तब जिसको अगर हाइड्रोलिसिस किया जाएगा XeF4 का वाटर के साथ में, तो क्या देखोगे इसमें जीनॉन का फॉर्मेशन होगा अलॉन्ग विथ XeO3 फॉर्म करेगा, देन HF फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ध्यान है कि हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, खासकर जो जीनॉन के फ्लोराइड है,
ठीक है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया, चाहे वो प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो या जो है क्या क्या प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो ये ध्यान है कि इन दोनों में XGF2 का या XGF4 का या XGF6 का ये सभी रिएक्शन आपको क्लियरली पता हो। तो क्या मेंशन किया गया है कि अंडर गो डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्लियरली देखा जा सकता है कि ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो में जा रहा है और यहाँ पे प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्लियरली वी कैन कंसीडर दिस रिएक्शन एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सेकेंड बात किया जाए तो बोला गया कि XGF6 प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोलिसिस, तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये फॉर्म कर लेगा XGO3 अलोंग विद H, अलोंग विद H, आप इसको बैलेंस कर लेना, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं फॉर्म करेगा, तो क्लियरली हम लोग जो है सेकेंड बोल सकते हैं कि ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड के केस में दिया है कि ऑन द रिएक्शन विद PF5 XGF2, ऑन द रिएक्शन विद PF5 XGO2 XGF2, क्या दे रहा है प्रोडक्ट यहां पे दिया हुआ है, इन्होंने मेंशन किया है PF5 प्लस PF4 प्लस, ठीक है, अलोंग विद XGF3 माइनस, ठीक है, XGF3 माइनस, ये इनकरेक्ट हो जाता है। यहां पे जो प्रोडक्ट आप देखोगे तो यहां पे ये फॉर्म करता है PF6, ठीक है, माइनस एंड XGF प्लस, ये प्रोडक्ट फॉर्म करके आ जाता है, कैटायनिक फॉर्म ये होगा, एनायनिक फॉर्म ये हो जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ के केस में देखिए तो बोला गया कि XGF6 कैन बी प्रोड्यूस, XGF6 कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ XGF4 विद O2F2, तो अगर इसमें रिएक्शन आप देखो तो क्लियरली क्या होता है कि ये इसके साथ XGF6 फॉर्म कर लेता है और साथ साथ में ऑक्सीजन जनरेट कर देता है, ठीक है। तो फोर्थ इज करेक्ट, हम लोग को क्या करना है, जो करेक्ट है इसमें से नंबर उसका सम कर देना है, तो 1 प्लस 4 वी आर गोइंग टू गेट 5 एज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, एट के केस में मेंशन किया गया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे वो SN हो, SN2 हो या SNNGP हो जाए, मींस जो है निगोवारिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बट इससे भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसमें ऐसा NGP वाला कोई भी केस नहीं है, हम लोग को SN1 या SN2 ही देखने को मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं कि किस केस में SN1 या SN2 कराया जा सकता है। तो फर्स्ट केस देखिए CH3Br, बिल्कुल यहां पर हम लोग जा सकते हैं इसके किसके SN2 रिएक्शन के लिए, तो बिल्कुल यू कैन कंसीडर दिस वन। नेक्स्ट आप देख लीजिए फिनाइल CHBr, यहां पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म करके आएगा, यहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, तो SN2 रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं, बल्कियर ग्रुप है तो यहां पे हम लोग SN1 रिएक्शन करा सकते हैं, कार्बोकैटायन विल बी स्टेबल। सिमिलरली इसकी बात करें तो ये तो 2 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे SN1 की भी बात कर सकते हैं, SN2 की बात कर सकते हैं, बट हम लोग को बस ये देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, तो नेक्स्ट केस कुछ ऐसे है, डबल बॉन्ड विद क्लोरीन, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्लोरीन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जाएगा इस डबल बॉन्ड के साथ और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होगा, यहाँ पे अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहें दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सिमिलरली हम लोग इस केस में मीन्स ये विनाइल क्लोराइड है, सिमिलरली हम लोग का फिनाइल क्लोराइड के केस में भी यही सेम फिनोमेना देखने को मिलेगा कि ड्यू टू रेजोनेंस ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होगा, तो दिस कैन नॉट ऑल्सो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट आप देखिए तो यहाँ पे तो ये एलाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, दिस कैन गो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली आप बेंजाइलिक की बात कर लो, नेक्स्ट केस में दिस इज अ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, यहाँ पे भी करा सकते हैं। यहाँ पे ब्रिज हेड के केस में पहले भी मेंशन किया गया है कि बिकॉज ब्रिज हेड के केस में आप क्या देखते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो अगर इस पे अगर कराना चाहोगे दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कराया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट केस इसका देखिए तो यहाँ पे क्लोरीन इस तरीके से जुड़ा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप रिमूव करके लेटर ऑन रिंग एक्सपेंशन होगा जो कि हम लोग देख सकते हैं, बट यहाँ पे भी हम लोग करा सकते हैं। तो टोटल केसेस वेयर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल 1, 2, 3, दिस इज द 4, 5 एंड 6, द 6 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आसान प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, तो इसमें मेंशन किया इन्होंने कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी रिड्यूस बाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों से रिड्यूस किया जा सके। तो पहला एसीटोन दिया हुआ है, क्लियरली इसको जो है कार्बोनिल कंपाउंड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूस कर सकता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इसको रिड्यूस कर देगा और करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल जनरेट कर देगा, तो वी कैन कंसीडर दिस वन। नेक्स्ट आपका एस्टर ग्रुप दिया हुआ है, एस्टर को
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो रिड्यूस कर लेगा, लेकिन SBS इसको नहीं रिड्यूस कर पाएगा। नेक्स्ट देख लो साइक्लिक एस्टर, जिसको हम लोग लैक्टोन्स को बोलते हैं, तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा कि ये रिड्यूस किया जाएगा LAH के थ्रू, ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड CH3C11OCl, एसिड क्लोराइड ये भी रिड्यूस कर देगा, ये भी रिड्यूस कर देगा। साइक्लिक अमाइड है, ठीक है, तो साइक्लिक अमाइड की बात करें तो हम लोग इसको बोलते हैं लैक्टम, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं लैक्टोन। ध्यान रखकर एक बार पूछ दिया गया ऐसे नेम को लेके, इसको बोलते हैं लैक्टम, साइक्लिक अमाइड को बोलते हैं लैक्टम। तो यहाँ पे ये रिड्यूस कर देगा, ये इसको नहीं रिड्यूस कर पाएगा। देन NO2 की बात करें, नाइट्रो कंपाउंड की, तो नाइट्रो के केस में भी सेम कहानी है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा, ये नहीं कर पाएगा। देन ईथर की बात करें, तो ईथर ये अगर बात करें हम लोग, साइक्लिक ईथर नहीं है, साइक्लिक ईथर होता तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर सकता था, इस केस में ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। देन आपका लास्ट केस है यहाँ पे एल्डिहाइड, जो कि एसिटाल्डिहाइड है, तो इस केस में ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो हम लोग को देखना है कि कौन से केसेज हैं, कौन से कंपाउंड है जिस केस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एज वेल एज द सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन बी यूज फॉर द रिडक्शन। तो 1, 2, 3 केसेज है जहाँ पे दोनों यूज किए जा सकते हैं। तो क्लियरली वी कैन गो विथ 3 फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। 10 देखिए, अभी आसान प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैसे कंसीडर करना है आपको, तो यहाँ पे बेसिकली प्रोटोनेट होगा और डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन का ये क्लासिकल एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। कैसे होगा, तो H प्लस इसको प्रोटोनेट करेगा, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो कार्बोकैटाइन यहाँ पे जनरेट होगा लाइक दिस, कार्बोकैटाइन जनरेट होगा, ये 5 मेंबर रिंग है और इसके अल्फा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम लोग रिंग एक्सपेंशन दिखा सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन के बाद वाटर रिमूव, सॉरी H प्लस रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होगा तो ये जो फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, ये बनाएगा लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली इस केस में देखा जाए, आप इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हो, ठीक है, डबल बॉन्ड मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको प्रोटोनेट करोगे कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, फिर इसको आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या केस देखोगे, जो फाइनल प्रोडक्ट इस केस में आप ऑब्जर्व करोगे, दिस विल बी लाइक दिस, डबल बॉन्ड यहाँ पे मिथाइल मिथाइल। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा हुआ है, बोला गया है कि इफ P इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द कंपाउंड X, जो X कंपाउंड है ये है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4+4 8 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसकी बात करें तो नंबर ऑफ जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3+3+3 टोटल इस केस में 9 है, हम लोग को निकालना क्या है, डिफरेंस Q माइनस P, तो P इज इक्वल टू 8, P इज इक्वल टू 8 एंड Q इज इक्वल टू 9, तो Q माइनस P इज इक्वल टू 1, Q माइनस P इज इक्वल टू 1, तो 1 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा हम लोग का FST 21 का पेपर 1, आई होप कि आप ये अच्छा से लिखे होगे, क्वेश्चंस मिक्स हैं, एक दो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल ऐसे हैं क्वेश्चन की बनाए जा सकते हैं, थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट इसमें यूज करने होंगे। तो मिलते हैं पेपर नंबर 2 के साथ।